गिरिडीह से बड़ी खबर आ रही है जहां नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। आपको बता दें कि पीरटार और मधुबन में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। करीब आधा दर्जन इलाकों में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया है। मधुबन चौक, हरलादी, खरपोका और पालगंज में पोस्टरबाजी की है। सूचना मिलते ही पुलिस ने सभी पोस्टर को हटाया है और जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है जहां पीरटार और मधुबन में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं गिरिडीह से संवाददाता आलोक रंजन जुड़ चुके हैं। आलोक, गिरिडीह में अगर बात करें पीरटार और मधुबन में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है और आधा दर्जन इलाकों में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया। जी जी अनिल, बिल्कुल। कई दिनों के बाद एक बार फिर से नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है इस पोस्टरबाजी के माध्यम से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 28 नवंबर से शहीद सप्ताह मनाते हैं नक्सली, और उसी को लेकर ये पोस्टरबाजी की गई है। हालांकि बीते कुछ दिनों से पीरटार और मधुबन का ये जो इलाका है, डुमरी, पीरटार, मधुबन का इलाका, इन इलाकों में पुलिस के कार्रवाई, सीआरपीएफ और गिरिडीह पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के चलते नक्सलियों की कहें तो एक तरह से कमर टूट चुकी थी। और खास करके जब से नए पुलिस कप्तान दीपक कुमार शर्मा ने यहाँ पदभार ग्रहण किया है, हमने अपने दर्शकों को ये खबरें भी दिखाई है कि डुमरी चुनाव से पहले ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई थी, एलआईपी चलाया गया था और कई बंकर ध्वस्त किए गए थे और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए थे। कई नक्सलियों की गिरफ्तारी भी हुई है, पर इस बार एक बार फिर से नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। मधुबन चौक पर पोस्टरबाजी की है, हरलाडी, पालगंज और पीरटार के कई अन्य इलाकों में ये पोस्टरबाजी हुई है। ग्रामीणों में थोड़ी बहुत दहशत तो जरूर है, पर ग्रामीणों का ये कहना भी है कि ये सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने की कवायद है नक्सलियों की, क्योंकि इस इलाके में अब उनकी वैसी पैठ शायद नहीं रह पाई है। आलोक, देखिए जिस तरह से पोस्टरबाजी की गई है, एक समय था जब पोस्टर चिपकाए जाते थे वो आम लगता था लोगों को, और जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, एक के बाद एक कार्रवाई की है, आपने कहा कि नक्सलियों की कमर टूटी जरूर है, लेकिन एक बार फिर से जब पोस्टर चिपकाया गया है, ये आश्चर्य तो लगता है। और पुलिस अपनी उपस्थिति दर्ज करवा, पुलिस नक्सली जो है उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और ये साफ पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि नक्सली जो है वो उनकी उपस्थिति दर्ज कराने की एक कवायद बिल्कुल है, और खास तौर पर शहीद सप्ताह जो मनाते हैं, शहीद सप्ताह के दौरान कई कार्यक्रम वगैरह होते हैं। पहले तो इन इलाकों में कार्यक्रम होते थे और उन इलाकों में गांव के लोगों को जैसे भी उसमें शामिल होना पड़ता था, पर इन कार्यक्रमों को अब करने में वो नाकाम होते हैं, पर पोस्टरबाजी के माध्यम से आह्वान करते हैं। और साथ ही एसपीओ की जो भर्ती हो रही है उसको लेकर ग्रामीणों को चेताया है कि पुलिस के बहकावे में ना कर एसपीओ में भर्ती ना करें। इस तरह के कई पोस्टर चिपकाए हैं और पुलिस के लिए, गिरिडीह पुलिस के लिए फिलहाल ये चुनौती तो जरूर है कि काफी दिनों के बाद इन इलाकों में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया है, और गिरिडीह पुलिस हालांकि कार्रवाई में जुट गई है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो बता दें कि गिरिडीह इलाके की में पीरटार और मधुबन की बात करें तो नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की है। करीब आधा दर्जन इलाकों में नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाया है। और ये बता दें कि मधुबन चौक, हरलादी, खरपोका और पालगंज में पोस्टरबाजी की है। अब पुलिस पूरे पोस्टर को हटाई है और जाँच में जुटी गई।